चलिए थोड़ा कांग्रेस पर आते हैं आपने एम के बारे में बात की एम पी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एम से ही आते हैं सीनियर लीडर है कांग्रेस के हम कह रहे हैं अब की बार चार पार का जो आप टारगेट दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 300, 400, 500 कुछ भी कर लो जब ईवीएम अपनी है तो वो ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है हमें मौका दिया जाए तो हम प्रूव कर देंगे और उनको डर है कि जो 400 का टारगेट है इसीलिए डर है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है 2024 हजार में तेलंगाना में क्या हुआ उनकी कैसे सरकार बनी हिमाचल में उनकी कैसे सरकार बनी वहां तो बीजेपी सत्ता के अंदर थी वहां पे क्या हुआ और अभी बनी है तो ये हार है तो ईवीएम है ये कोई तर्क नहीं है जब कोई आदमी चुनाव हार जाता है तो उसके सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और कांग्रेस तो आज पूरी तरीके से दिशाहीन है कांग्रेस समाजवाद की ओर जा रही है या पूंजीवाद की ओर जा रही है कांग्रेस धर्म निरपेक्षता की ओर जा रही है या कहा जा रही है तो कांग्रेस को नहीं पता है वो तो सड़क पर है सड़क पर भी अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे उत्तर जाएंगे दक्षिण जाएंगे पूर्व जाएंगे पश्चिम जाएंगे तो जो पार्टी दिशाहीन है तो उसकी बातों में कौन सी आपको लॉजिक नजर आ रहा है राहुल गांधी भी सड़क पर हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस के प्रति और इंडिया के प्रति माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए जब 370 समाप्त हुई और भारत जोड़ने का बड़ा काम सत्तर साल बाद हुआ तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर रहे है? भारत जोड़ने का सबसे बड़ा काम तो यही था कि तीन समाप्त करी ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस कहाँ कर रही है नहीं लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सड़क पर तो सड़क पर कांग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने जा रही है और वो है राम यात्रा और वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया राम भक्तों का क्या होगा राम भक्तों का कुछ नहीं हुआ इसलिए राम भक्तों के लिए हम यात्रा निकालेंगे कौन से राम भगत जिन्होंने अडवाणी जी ने जब छद सेक्युलरिज्म की बात उठाई थी तो विरोध किया था कौन से राम भगत जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था और कांग्रेस वो राम भगत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है तो अभी तो इनकी भक्ति भी नकली है तो नकली यात्राओं से देश का कुछ नहीं होने वाला है देश विकसित भारत की यात्रा पे चल रहा है और वही भारत की दो की यात्रा है प्रधानमंत्री थर्ड टर्म की बात करते हैं प्रधानमंत्री ने फोर्थ टर्म की भी आ, बात की मैं ये कह रहा हूं आज अभी इसी मंच पर जहां आप बैठे हैं राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी जी यहां पर थे बड़े सीनियर लीडर हैं जब उनसे पूछा गया राम आ, राम मंदिर के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं मैं हिंदू हूं मैं राम भक्त हूं लेकिन राम का व्यापारी नहीं हूं वो बीजेपी को राम का व्यापारी कह के गए किस आधार पे व्यापारी कह रहे हैं लॉजिक तो पूछते हैं मैं तो कोई अपनी जाति नहीं बताता मैं तो कोई क्लेम और दावे नहीं करता लेकिन किस आधार पे कह रहे हैं आप बताओ उनके कोई आधार बताओ मैं आपका जवाब दे दूंगा